फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है कॉन्फिडेंस नॉट एरोगेंस, जयशंकर रिप्स राहुल फॉर क्वेश्चनिंग इंडियन डिप्लोमैट्स। कौन राहुल? राहुल गांधी कि कोई और राहुल है? मैं तो समझ नहीं आया, पहले देखते हैं। पर लग रहा है कुछ बोला जिसकी वजह से उन्होंने कहा, मुझे पता क्या लग रहा है, शक क्या हो रहा है कि उन्होंने ये जो भी होंगे राहुल है, कौन राहुल ये मुझे नहीं पता, इन्होंने बोला होगा कि इंडिया क्या जो जिस टाइप से स्टेप्स ले रहा है एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहा है, क्या एरोगेंट है या कुछ, इस टाइप से कुछ बोला होगा कि जो डिसीजंस ले रहे हैं। और फिर इन्होंने जयशंकर जी ने कहा होगा ये एरोगेंस नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस है अपने पर, हमें ये नहीं है कि हम डर के किसी की भी बात मान लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस हो जो राइट चीज है वो करेंगे। मुझे तो ये लग रहा है, अब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं कई कुछ हुआ कुछ हो, मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो देखते हैं, पहले न्यूज सुनते हैं और पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आई वाज टॉकिंग टू सम, ये राहुल गांधी है, pehchana hi nahi, kitna sawal, kitna from Europe, and they were saying that the Indian foreign service completely changed, they don't listen to anything, they're arrogant. Now they're just telling us what, you know, what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. Pehchana hi nahi kya Rahul Gandhi mujhse. Good. वही मैं सोच रही थी, और नहीं तो क्या। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी असर्टेड, इंडियन फॉरेन सर्विस हैज बिकम एरोगेंट। कोई एरोगेंट नहीं है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। सो यस दे फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस दे कम टू द आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स नो, इट्स नॉट एरोगेंस, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड इट्स कॉल्ड डिफेंडिंग नेशनल इंटरेस्ट। फैंटास्टिक, आई टोटली एग्री। बोल दिया इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड कि इंडिया अपने आपको कितना दिखा रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। फैंटास्टिक रिप्लाई, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। हमें चाहिए ऐसे ही लोग अपनी कंट्री में। IFS officer who served as foreign secretary to the president of the Good. Gotcha. In a Congo, London mein ja ja ke, bahar ja ja ke buraiyan ho rahi hain. Bahar hi karo. Chitta sari aapki bari hai. I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service completely changed, they don't listen to anything, they're arrogant. Now they're just telling us what, you know, what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. सभी यही करती है यार, हर कंट्री ये करती है। तो फ्रेंड्स मैंने तो आई तुक्का मारा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था और मेरे को डाउट हो रहा था, पता नहीं कौन राहुल है, राहुल गांधी, क्योंकि राहुल इतना, जब भी राहुल सुनता तो राहुल गांधी ही लगता है, तो मेरे को बट डाउट हो रहा था। और जब उन्होंने शुरू की ना डिबेट तो मुझे लगा यार यहाँ पे तो ना जयशंकर जी है ना राहुल गांधी है, तो वीडियो कुछ और ही होगी, मैंने बोल दिया मेरी होगी चौप। पर जब आवाज सुनी तो पता चला अच्छा ये जो बैठा हुआ बंदा है तो राहुल गांधी है। ओल्ड लग रहे हैं। ओह माय गॉड, ही वाज लुकिंग या वीडियो थोड़ा मतलब हेजी था क्या उस, नहीं पर जब क्लोजअप भी दिखाया है काफी ओल्ड मिडिल एज टाइप के बंदा लग रहा था। और कहां अभी पहले वाली वीडियोस देखो तो ही डजंट लुक दैट ओल्ड, जबकि दाढ़ी दूढ़ी थोड़ी वाइट दिखती है पर वो इतना मतलब ओल्ड नहीं दिखते। पर इस वीडियो में तो जब देखा मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाई कि भैया ये राहुल गांधी, आवाज से पहचाना मैंने। और देखो हर बारी ये जहां भी ये जाते हैं राहुल जी, ये क्या करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव ही बोलने जाते हैं, वो भी फॉरेन प्लेटफॉर्म पे।
एक हमने पहले भी वीडियो किया था ना जिसमें कुछ किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा, इनका आंसर क्या था, गोल मोल करके पूरा ही कंफ्यूज कर दिया था मुझे। तो इन्होंने क्या बोला अभी, ये कह रहे कि मैंने किसी लोगों से मिला और उन्होंने हमें मुझे बताया कि भैया जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस टाइप की है, तो एरोगेंट बन गए हैं। हाँ, अगर यही है तो बताओ कौन है, मतलब किसी के पीछे करके आप इस टाइप के स्टेटमेंट्स दे रहे हो, चाहे किसी ने बोला हो, मुझे तो वो भी बहुत हाईली डाउटफुल है। पर आंसर जो जयशंकर जी ने दिया, ही जस्ट नेल्ड इट, इतना अच्छा आंसर दिया कि बंदा जो है ना नेक्स्ट टाइम ऐसी बात बोलेगा नहीं। और ये सुन के हर इंडियन जो है ना वो तो आग बबूला हो जाएगा कि तुम बोल क्या रहे हो, हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया अपना स्टैंड लेके डगमगाने की कोशिश में नहीं है, जबकि दूसरी दुनिया सारा प्रेशर कर रही है, इंडिया इज स्टैंडिंग अलोन एंड सेइंग दिस इज आवर पॉलिसी, हम नेशनल इंटरेस्ट पे करेंगे, और धड़ाके से बोल रहे हैं, धड़ेले से बोल रहे हैं, किसी से नहीं घबरा रहे। और क्यों घबराना, एवरी कंट्री जो है, हर एक कंट्री अपना ही सोचती है, अमेरिका अपना सोच रही है, रशिया अपना सोच रही है, चाइना अपना सोच रहा है, तो इंडिया क्यों ना अपना सोचे, कमाल है यार। और तुम ये जाके बोल रहे हो, वो भी लंदन में जाके, हद हो गई। इससे कई बातें देखी, पहला ये है कि एक मतलब जो बंदा पावर में नहीं है राइट, उसको कौन इनवाइट कर रहा है लंदन में, क्योंकि बंदा पावर में तो नहीं है, तो आपको चला नहीं रहे, कुछ कंट्री नहीं चला रहे, तो आप क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, और जा रहे हैं लंदन में, तो इसका मतलब ये सब लिंक के थ्रू होता है, कोई वहां पे किसी ने बुला लिया, आप चले गए, आप बात कर रहे हैं, आप पावर में नहीं है। अगर आपको वाकई पावर में आना है तो अपनी कंट्री में जगह जगह गांव में जाइए, सिटीज में जाइए, वहां पे बोल लोगों से बात करिए, अपनी चीजों को हाईलाइट करिए। तो लंदन में जाके आपको क्या मिलना है, क्योंकि अगर आप वाकई चाहते हैं, आपका वोटर तो इंडिया बैठा है, वही तो, और आपका वोटर बोलता हिंदी है मैक्सिमम, मैक्सिमम हिंदी बोलता है, मैक्सिमम रीजन लैंग्वेजेस बोलता है, इंडिया में बैठा वोटर है। मोदी जी के आपने स्पीच देखे हैं, और जगह जगह जाते हैं, हजारों करोड़ों लोग होते हैं जो जो मोदी जी को बात सुनने आए हैं, उसके डिसाइड करके फिर वो वोट देंगे। आपको अपने लोगों से बात करनी है, अगर आप कहीं वो, और प्राइम मिनिस्टर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, और मोदी जी खाते पीते नहीं है, सारा काम करते रहते हैं, उनके ऑलरेडी बहुत टाइट एजेंडा होता है, 100 उनको डीले बनाने होते हैं, वो ठीक है, बंदा पावर में है, वो कार्य कर रहा है। जो बंदा पावर में नहीं है उसे इंडिया में ही रहकर मेहनत करनी चाहिए, अपने वोटर से बात करनी चाहिए, ऐसा। दूसरा जो है, हिंदी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आपका मैक्सिमम जनता जो है हिंदी है वोटर, वो इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे जाके आप किसी पर भी जाके बोल देते हैं कोई, तो ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, और मिस्टर जयशंकर ने अच्छा है कि अपना समय लिया, इसको रिस्पॉन्ड किया, इम्पोर्टेंट अच्छी बात बहुत है कि मगर अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर। मगर पॉइंट ये है कि जिस डायरेक्शन में कांग्रेस पार्टी जा रही है, मैं वैसे डेटा देख के बोल रहा हूँ, आप बताओ उनकी सीट्स पहले से कम होती जा रही हैं। अल्टीमेटली आप एक पार्टी को देख रहे हैं, इसके बहुत कम सीट्स हैं, तो लोग बोलेंगे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इंडिया में छोटी पार्टीज हैं, अगर उनको वाकई लाइफ में कुछ करना है तो मेरे ख्याल से उनको पता होगा क्या करना है, वो है कि इंडिया में ही कैंपेन करना है। तो अच्छा वीडियो था, बट रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट्स देने चाहिए कि तुम बाहर जा रहे हो, यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया, और तुम इस टाइप की बातें करके, वो ये बल किसने बुलाया है वो भी पॉइंट है, राइट, सब कुछ कनेक्शन के थ्रू हो रहा है। जो बुला रहा है वो एक ऐसे इंसान को बुला रहा है जो पावर में नहीं है काफी समय से, और जो नेगेटिव बोलेगा इंडिया के बारे में, ऑपोजिशन तो नेगेटिव बोलेगी क्योंकि वो ऑपोजिशन है, मगर पॉइंट वही है कि नहीं, पर एक होता है कि अपनी कंट्री के लिए जो अच्छा काम हो रहा है, जिससे कंट्री स्ट्रांग दिख रही है वर्ल्ड को, उस पे नेगेटिव स्टेटमेंट देना, और उस टाइम पे जब उस टाइम पे वो सिचुएशन अभी चल रही है, यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस टाइम में बोलना, दैट शोज हाउ इरिस्पॉन्सिबल एक्शंस आर बीइंग टेकन इनके थ्रू। पर जयशंकर जी ने स्ट्रांगली बता दिया कि एरोगेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, और ये हमने सबको क्लियर कर दिया, हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। फैंटास्टिक। सो एक ने दिल जीता और दूसरे ने शॉक किया, मैं तो ये कहूंगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।